गलत तो वो लोग हैं जो ले रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं वो उनका ज्यादा मतलब उनकी मिस्टेक ज्यादा है यहाँ पे जो दे रहे हैं लेने से ज्यादा। लड़कियाँ बहुत सुंदर नहीं है तो लड़के भी बहुत सुंदर थोड़ी है, लड़के भी तो वैसे ही होते हैं, तो उनकी शक्ल अच्छी नहीं उनको कंपनसेट करना चाहिए। आज की सेंचुरी में इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है, अपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि तुम्हें डाउरी देने की जरूरत ही ना पड़े। और मेरा मानना यह है कि अगर एक माँ बाप अपने लड़की की शादी कर रहे हैं तो वो अगर नमक रोटी भी खिलाएंगे अगर बरातियों को तो वो भी तिंगड़ के खिलाते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे हमारी बेटी के लिए कमी हो। बच्चों की शादी करी उसमें यही कहा कि भाई दहेज ना दोगे साइकिल भी दोगे यही छोड़ दूंगा। बेटी ही सबसे बड़ा धन है माँ बाप के लिए। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आपका द लेटर की नई पेशकश में। दहेज एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी कुरीति जिसका सदियों से भारतीय वैवाहिक संस्कृति में पालन किया जा रहा है। इसका वापस से चर्चाओं में आने का कारण बीएससी नर्सिंग की किताब में इसके फायदों का जिक्र होना, जहां ये बताया गया है कि वे महिलाएं जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती उनकी शादी करने में ये सहायक साबित होता है। लोगों का इस पर क्या कहना है आइए जानते हैं। दहेज से आप क्या समझते हैं? दहेज लालच वाली चीज़ हो सकता है। जब भी लड़की की शादी होती है किसी तो फिनेंशियल हेल्प या फिर कुछ भी घर की चीज़ें दी जाती हैं बॉयज को, हस्बैंड को, ताकि आगे हेल्प हो उसको। मैं दहेज से ये समझती हूँ कि जो लोग दहेज देते हैं वो ये सिर्फ दिखाते हैं कि हम बेटियों के साथ हम ऐसा आराम भेज रहे हैं, मतलब एक चीज़ दिखाते हैं कि हमारे पास धन है इतना हम दे सकते हैं। बट जिस व्यक्ति के पास दहेज नहीं है वो तो अपनी बेटी ही दे सकता है, वो अपनी बेटी को संस्कार दे सकता है उसके साथ, वो दहेज मानो कि वो दहेज है। अपनी इच्छा अनुसार जो घर वाले देते हैं उसके बस वही होना चाहिए, बाकी जो मतलब दहेज में जो लड़के वाले मांगते हैं वो डिमांड नहीं होनी चाहिए कुछ भी। दहेज मांगने वाले वो लोग होते हैं जिनके जो खुद के खुद करके नहीं खा सकते, सोचते हैं कि हम जहाँ से बेटियाँ लाएंगे हम वहाँ से इनकम पा सकते हैं, वहाँ से हम ये चीज़ फरमाइश करेंगे, हमें वो चीज़ चाहिए, हमें बेटी के साथ गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हमें पैसा, कई चीज़ चाहिए। और अगर जो बेटियाँ नहीं दे पाती है तो सोचते हैं या तो उसके साथ अत्याचार करते हैं, नहीं जा अपने माँ बाप से मांग के ला, हमें तेरे माँ बाप ने बेटी दिया, हम तेरा खर्चा कैसे चलाएंगे, तो ये गलत है। दहेज है क्या? जिनके पैसे की अंदर लालच होता है या कमाई के जरिया ही समझता हूँ, मेहनत जो करना नहीं आता वो दहेज ही मांगता है। दहेज मतलब शादी ब्याह में जो लेते हैं लड़के वाले से उन पर जोर डालते हैं, बोझ डालते हैं एक तरह से कि भाई हमें इतना चाहिए। दहेज तो एक कुप्रथा है जो लड़की वाले के लिए बड़ा सिर दर्द है। जो अपनी मर्जी से दे दो चलो ठीक है, बहुत से जैसे डिमांड कर देते हैं वो ज़्यादा ख़राब है। और जो लड़के बोलते हैं कि नहीं हमें धन भी चाहिए बेटी भी चाहिए तो वो बहुत गलत है, क्योंकि धन कितने दिन रहेगा, एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा, वो ऐसा आराम कभी नहीं मिल सकता। लेकिन जो सुख चलता फिरता आपके साथ है, कल को आपको कहीं चोट लग गई, कहीं आपका दुख सुख है, कुछ भी बीमार होंगे, तो वो जब जीता जागता दहेज बेटी है, कहने का मतलब धन अलग है और बेटी को ही अगर वो मानो कि यही हमारा धन जायदाद घर की लक्ष्मी सब यही है। दहेज एक ऐसी बीमारी है हमारे देश की जिसको ख़त्म होते होते इतने साल अभी भी, बल्कि बहुत से देश राज्य ऐसे हैं या बहुत से अन्य इंटीरियर एरिया ऐसा है जहाँ पे दहेज के बिना काम ही नहीं चलता। ख़ासतौर से दहेज एक ऐसी बीमारी है जैसे एक आज की डेट में प्लेग या वो समझ लीजिए कौन सी बीमारी आ रही है, कोरोना टाइप की बीमारी है, इसका हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से एक अच्छे परिवार के बच्चे, अच्छे परिवार की लड़की दहेज के में ऐसी पिस जाती है कि ना तो परिवार के साथ रह पाती है, ना उस परिवार को वो खुशियाँ मिल पाती हैं, ना रह पाती है। ग्रूम को सिलेक्ट करने के लिए वो एक डिमांड करते हैं कि इतना पैसा चाहिए, वो ही होते हैं हमें इतना चाहिए, उसी वजह से हम तुम्हारी लड़की को लेकर जाएंगे, हमको मतलब एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है उनके पास कि हमें यही सामान चाहिए तब हम आपकी लड़की को लेकर जाएंगे। अपने लिए एक बेटी सब कुछ त्याग देती है कि पति को ये करना है, उसकी खुशी के लिए ये चाहिए, बच्चों को क्या करना है, सास ससुर को क्या करना है, सब खुशियाँ उनके ऊपर निछावर कर देती है। तो हम ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा दहेज एक बेटी के सिवा और कुछ नहीं है। दहेज लेने से लड़की वाले जो होते हैं, जो लड़कियों का परिवार है, उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? सारी समस्याएं हैं, जिस पे नहीं है बेचारे गरीब पे कहाँ से देगा। सबसे पहली तो यही है कि अब लड़की की फैमिली पता नहीं अब कैसी है, फाइनेंशियली ठीक है कि नहीं है, और एक प्रेशर आ जाता है लड़कियों की फैमिली पे कि अगर तुम दहेज दोगे तो तभी फैमिली, वरना शादी के बाद कई केसेस होते हैं कि डाउरी नहीं दी, तो लड़कियों के साथ मारपीट हो जाती होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो लड़की के पिता होते हैं या माँ होती है उनके ऊपर एक मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है कि हमने अपनी बेटी के लिए कुछ कमी ना कर दें। जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन पर प्रेशर रहता है, कहाँ से इंतजाम करना, किसी से कर्जा लेते हैं,
कर्जा लेकर के भी अपनी बेटी को खुश करने की कोशिश करते हैं, आने वाले टाइम पर वो कर्जे में ही डूबते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर एक माँ बाप अपने लड़की की शादी कर रहे हैं तो वो अगर नमक रोटी भी खिलाएंगे अगर बरातियों को, तो वो भी तिंगड़ के खिलाते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे हमारी बेटी के लिए कमी हो। यह चीज़ लड़के वालों को समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ ये दहेज है ये ना लिया जाए, इसके विरोध लड़के को करना पड़ेगा। हो सकता है किसी के माँ बाप पुराने विचारधाराओं के हों, लेकिन लड़के को ये बात समझनी पड़ेगी कि इन चीज़ों को हम रोकें। जैसे आज की जनरेशन है, हम तो शादीशुदा हो गए, आप लोगों की जनरेशन है, ये जनरेशन को समझना पड़ेगा कि दहेज जो है आज की डेट में एक बीमारी है, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर आज के दिन एक पेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि नर्सिंग के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें मेरिट्स ऑफ डाउरी के अंडर ये लिस्ट किया गया है, दहेज के फ़ायदों के अंदर ये दिया गया है कि दहेज उन लड़कियों को जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती उनके विवाह में ये सहायता प्रदान करता है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के करिकुलम को हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, जबकि डाउरी इलीगल है 1961 से? मतलब जो सुंदर लड़कियां नहीं हैं उनको डाउरी देके इजीली मैरिज की हो सकती है उनकी? लड़कियां बहुत सुंदर नहीं है तो लड़के भी बहुत सुंदर थोड़ी हैं, लड़के भी तो वैसे ही होते हैं, सभी लड़के सुंदर थोड़ी होते हैं। और सभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस वाला मांग लेता है, खेती बाड़ी वाले मांग लेते हैं, जैसे हैं वैसे वैसे को तो हर कोई मिलता है। दहेज कोई ज़बरदस्ती अच्छी नौकरी वाले को देके दहेज देके अच्छी नौकरी वाले को दिया, बाद में फिर परेशानी रहती है? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 21st सेंचुरी चल रही है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं गर्ल्स के पास। जिनका फेस क्या था वो क्वेश्चन, कि फेस अच्छा नहीं है, जो लोग मतलब शक्ल अच्छी नहीं है, हाँ तो उनकी शक्ल अच्छी नहीं, उनको कंपनसेट करना चाहिए। आज की सेंचुरी में इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है, अपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि तुम्हें डाउरी देने की जरूरत ही ना पड़े। ये लॉजिक ही गलत है, चाहे कोई सुंदर हो या कुछ ना हो, इस दहेज से उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब कोई सुंदर होगा और वो उनके यहाँ दहेज देने के लिए नहीं होगा तो क्या वो शादी दहेज शादी नहीं करेंगे? शकल सूरत नहीं देखना चाहिए, सीरत देखना चाहिए। इस तरह से अगर जो मतलब लड़की थोड़े वैसे होते हैं उनके लिए कुछ प्रॉफिट भी देता है, मतलब उनके लिए कुछ हेल्प होती है शादी में, और इतने भी नहीं कि एक लिमिट के क्रॉस हो जाएगी यार बिल्कुल ही हाई फाई कर दो, उसके लिए वो नहीं बोलता। कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। अगर कोई लड़की सुंदर नहीं है लेकिन उसके अंदर एजुकेशन है, उसके अंदर संस्कार है, तो वो दहेज से थोड़ा ना उसके संस्कार बढ़ जाएंगे, मैं नहीं मानता। ये तो खाली एक बहाना है दहेज लेने का। तुम अच्छे पोस्ट पे हो, कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, तो तुम्हें ऑलरेडी लोग खुद ही आके तुम खुद ही तुमसे शादी करेंगे, हमारी शक्ल अच्छी है नहीं है। और कोई इस तरीके के पाठ्यक्रम को हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत मतलब रास्ते डायरेक्शन ही गलत दिखाएगा, ये तो हमारी जो जनरेशन है उसको गलत रास्ते पे ले जाएगा। मतलब बदसूरत लड़की से या कम सुंदर लड़की से शादी करो और दहेज ले लो, ये क्या तरीका हो? तो आप क्या सोच रहे हो कि पैसा हम इनको दे देंगे तो हमारी लड़की ले लेंगे तो उससे खुश हो जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ आपका पैसों को ले रहे हैं, आपकी लड़की नहीं ले रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं। तो बिल्कुल रॉन्ग है कि इस चीज़ को पढ़ाएंगे हम स्कूल में कि बेनिफिट दिखा रहे हैं, बेनिफिट दिखाना बिल्कुल रॉन्ग है, वो बच्चे के लिए उस लड़की के लिए बिल्कुल रॉन्ग है। वो तो सिर्फ पैसा लेंगे, उसके बाद उसका मिसयूज होगा, उसका सिर्फ मिसयूज होगा, जो उससे काम होगा वही करवाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आज 21st सेंचुरी में दहेज जैसी प्रथा को कंटिन्यू किया जाना चाहिए, प्रैक्टिस किया जाना चाहिए? नहीं, आज की सेंचुरी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एजुकेटेड हैं और जिनको पता है कि डाउरी मतलब नहीं है अच्छी चीज़। जरूरत तो नहीं है इसकी, ना पहले थी ना अब है, और ये वैसे भी इलीगल ही है इंडिया में, तो उसके रीजन ही होंगे इलीगल होने के, तो मेरे भी अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि आजकल के डेट में अब काफ़ी वो हो चुका है, डेवलप हो चुका है कि इंसान खुद कर सकता है किसी और के मांगने के बजाय। रोक लगा देनी चाहिए देश पे। अभी इस स्थिति उसमें तो सब पढ़े लिखे हैं, बच्चे ही पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, सब नौकरी वाली हैं, तो दहेज किस बात का? डाउरी कभी भी अच्छा नहीं था, आज का क्या पहले के ज़माने में भी अच्छा नहीं था, तो कभी भी नहीं होना चाहिए था डाउरी। एंड लोगों ने इसको एक प्रथा, मतलब पहले ज़माने में तो एक ऐसा माना जाता था कि हम अपनी लड़कियों को प्यार से दे रहे हैं, अब लोगों ने इसको मतलब ऐसा कर लिया कि हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब हाँ कंपल्शन चाहिए, हाँ कि कंडीशन है कि हमें चाहिए दहेज तो तभी हम आपकी बेटी को लेके जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि वो लोग भी मतलब जो लोग दहेज देते हैं वो लोग भी बहुत गलत है जो दहेज दे रहे हैं। जब हमारे यंग ब्लड जो बच्चे आने वाली भावी पीढ़ी है वह इसमें बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो कोई क्या करेगा, माँ बाप भी नहीं कुछ कर सकते। आपको क्या लगता है कि प्राचीन काल में दहेज लेने की प्रथा की शुरुआत क्यों की गई होगी? प्राचीन काल में तो दहेज लेने के कुछ अलग अलग रीज़न थे, कोई ये जताना चाहता कि हम अमीर लोग हैं इसलिए ज़्यादातर गरीबों से ही दहेज लिया जाता था, चाहे वो कहीं से भी ला के दे पर दे। मेरे हिसाब से जो माँ बाप सक्षम थे वो देते थे, आने वाले टाइम पर जिन लोगों को
देने देते देते आदमी के मन में जो लालच आया है ये केवल उसकी वजह से है। मेरे को नहीं लगता कि कोई माँ बाप पहले कोई दहेज होता होगा। ये चीज़ें बाद में दहेज का रूप दिया गया। पहले ये था कि माँ बाप ने अपने लड़की को खुशी के लिए कि कुछ सामान दे दिया, कुछ चीज़ें दी, और बाद में उसी को दहेज का रूप दे करके चलाया जा रहा है अपना बढ़ावा दिखाने के लिए कि नहीं हम देंगे तो ये बेटी ज़्यादा ऊँचे घर की है, इसका ज़्यादा मान सम्मान होगा। पर वो थिंकिंग गलत है जो देते हैं कि हम अपनी बेटी को दहेज भी देंगे, सब कुछ देंगे तो हमारी बेटी का उस घर में ऊंचा स्थान होगा, उसका मान सम्मान होगा। बट हमारे पीठ पीछे उस घर में क्या हो रहा हमको नहीं पता। तो ये तो सुना आपने लोगों के विचार, आपका इस मुद्दे पर क्या मत है हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। एक बेटे की शादी में उन्होंने कहा कि भाई कि नहीं जी हम तो स्कूटर देंगे। मैंने कहा मेरे पास में तेल डालने को पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे चलाऊंगा। तो कहने लगा नहीं साहब हम पैसे, मैंने कहा पैसे तो कमीने खानदान का काम है।